अभी हमने इतना तो देख लिया कि जो ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। किसके साथ कनेक्शन है? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है रेजिस्टिविटी का, चाहे ये रेजिस्टिविटी मेटल की हो या नॉन मेटल की, वो सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स की हो, गैसेस की हो, या कुछ भी हो, तो मेटल इनका कुछ तो आपस में है रिलेशन। अब वो रिलेशन है क्या? अच्छा, एक बात और देखें ध्यान से कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें रेजिस्टिविटी है। सिंपल सी बात यह है कि अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो रेजिस्टिविटी के इफेक्ट से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। दोनों क्योंकि आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसी भी कारण से बढ़े रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। किसी भी कारण से अगर रेजिस्टिविटी घटती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कभी तो उसमें वर्ड लिखा होता है रेजिस्टिविटी, कभी लिखा होता है वर्ड रेजिस्टेंस। तो अगर हम टेम्परेचर से कनेक्शन इसका देख रहे हैं, टेम्परेचर के साथ में कुछ रिलेशन देख रहे हैं, तो जो रिलेशन टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के साथ है, वही रिलेशन टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के भी साथ है। ठीक है। अब तो ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर आपस में एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो इनका जो कनेक्शन है वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। यहां से हमें इतना तो पता लग रहा है कि एन और टो पर डिपेंडेंट है ये, लेकिन एन और टो की जगह किसी तरह हम टेम्परेचर अगर ला सकें इसमें तो मजा आ जाएगा। टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी सीधी सीधी निकल जाएगी अगर हम एन और ये इन सबको हटा करके। तो वो जो डिपेंडेंसी है वो सिलेबस में आपके उसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन दो फॉर्मूले हैं, आर टी इक्वल्स आर नॉट वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे। और अगर रेजिस्टिविटी बात करें तो रो टी इक्वल्स रो नॉट वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। चाहे आप रेजिस्टेंस ले लीजिए या रेजिस्टिविटी ले लीजिए, एक ही बात है। टेम्परेचर के लिए तो दोनों के साथ साथ एक ही कंडीशन है। अब इस फॉर्मूले में ये क्या क्या चीजें हैं, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा तो अपने आप हो जाने वाला। ये आर टी, आर टी क्या है? आर टी है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आर नॉट। अल्फा, अच्छा टी, टी क्या है? राइज, राइज भी नहीं बल्कि टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो भी टेम्परेचर है। और ये जो है दो फैक्टर अल्फा एंड बीटा, ये अपने आप में कॉन्स्टेंट्स हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला, यही वाले फॉर्मूले को हमने एम एन टी टो वो ये सब को टेम्परेचर के रूप में ले लिया, तो फॉर्मूला बना आर टी इक्वल आर नॉट वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। कैसे बनता है, लंबी कहानी है। तो इसमें से आर टी वाला फॉर्मूला आप समझ लें या ये वाला समझ लें, दोनों एक ही हैं बिल्कुल। तो अब देखना जरा ध्यान से, आर टी क्या है? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। आर नॉट क्या? रेजिस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस। टी इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अल्फा बीटा अपने आप में कॉन्स्टेंट है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो एक आपके पास कॉपर का तार है, कॉपर का तार है ये आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस कॉपर के तार के चारों तरफ भर दिया। क्या भर दिया इस कॉपर के चारों तरफ? आपने आइस भर दिया, आपने इसको चारों तरफ से आइस से ढक दिया, आइस से भर दिया इसे। फिर उसके बाद क्या करा, फिर उसके बाद इस कॉपर वायर पर आपने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ एम्पियर मीटर डाला, फिर ये करा, फिर वो करा, वो सारे निकाल करके इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने। पता चला इसका रेजिस्टेंस 10 ओम निकल कर आ रहा, तो इसे कहेंगे आर नॉट।
10 ओम निकल कर आया तो आर नॉट कहेंगे इसे हम, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ओम। फिर उसके बाद आपने क्या करा, इसको आपने बर्फ में से निकाला, बर्फ में से निकालने के बाद ना फिर इसे आपने गर्म पानी में डाल दिया, फिर आपने जो है इसे एक गर्म पानी में डाल दिया, ये गर्म पानी में डुबो दिया, फिर इसके साथ ये कनेक्शन वनेक्शन निकाले, पता चला इस गर्म पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब पता चला ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा 12 डिग्री, 12 ओम, 12 ओम, तो ये बन जाएगा अब आपका कितना, अब ये आपका बन जाएगा आर टी, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये 12 डिग्री है, बल्कि आर टी भी नहीं लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे आर 20 इज इक्वल्स टू 12 ओम। पता लग गया क्या कि रेजिस्टेंस है इसी वायर का, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पर ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 12 ओम। और यहाँ जो इस फॉर्मूले में टी आया, इस फॉर्मूले में जो टी आया, ये 0 से ऊपर का टेम्परेचर है, मतलब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है इसे आप लिखोगे टी, इसे आपने लिखा क्या टी, जो भी आपका टेम्परेचर है 0 से ऊपर जहाँ तक भी आपने पहुँचाया। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट है मटेरियल डिपेंडेंट, डिपेंड ऑन मटेरियल, मतलब कॉपर के लिए अल्फा बीटा कुछ और होगा, आयरन के लिए कुछ और होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, गोल्ड के लिए कुछ और होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। इसमें भी बीटा की वैल्यू अल्फा से बहुत 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 छोटी है, तो मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूँ, अल्फा की बीटा की वैल्यू अल्फा से बहुत छोटी है, सिंस बीटा वेरी वेरी लेस देन अल्फा, बीटा जो है अल्फा से बहुत कम है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो हम बनाएंगे आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये रह गया बस, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। बीटा की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हम उसे इनसिग्निफिकेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, अगर बहुत ज़्यादा प्रीसेस नहीं ले रहे हम। तो अब यहाँ से देखो, इस अल्फा को हम डिफाइन करेंगे कि अल्फा है क्या चीज़, है क्या इस फॉर्मूले में, ये अल्फा है क्या। तो मैंने देखो फॉर्मूले में इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ अपॉन में, या एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी, और आर नॉट में इधर ले गया, तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी, ठीक है। अल्फा को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, बचा आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी, ये एक रिलेशन आया, ठीक है। अब क्या करा, अब मुझे अल्फा फाइंड करना था कॉपर के लिए, अल्फा फाइंड करना था मुझे कॉपर के लिए, तो कैसे मैं फाइंड करूं, मैंने क्या काम करा, एक वायर लिया कॉपर का, एक वायर लिया कॉपर का ये, और इसके चारों तरफ भर दिया बर्फ ताकि इसका टेम्परेचर जीरो हो जाए, आइस मैंने लगा दी, और ये मैंने तार ऐसा ले लिया तार जो इस 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तार काट पीट करके इसकी लंबाई और प्रोसेस में ले लिया वगैरह एडजस्ट करते करते मैंने ऐसा तार ले लिया जो बर्फ में लग करके 1 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी कि आइस में ये 1 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू हो गई, आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 1 ओम, ठीक है। उसके बाद मैंने आइस तो निकाल दिया, फिर मैंने क्या करा, उसी तार को बिल्कुल सेम वही तार था पानी में डुबो दिया, और पानी का टेम्परेचर कर दिया एग्जैक्टली 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस, पानी में डुबो दिया 1 डिग्री, ठीक है। अब सपोज ये शो करने लगा 1.0093 ओम, तो ये हो गया आपका आर टी, यानी कि आर वन, आर क्या वन, आर वन 1 डिग्री सेल्सियस पर 1.00093 ओम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले में आर नॉट आपने ले लिया 1 ओम, टेम्परेचर कितना राइज करा 1 डिग्री सेल्सियस, तो इस फॉर्मूले में देखना अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू बनेगा आर टी माइनस आर नॉट, मतलब चेंज इन
इन रेजिस्टेंस कब पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट राइज इन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। समझ रहे बात को? ये अल्फा कुल मिलाकर अल्फा क्या रह गया? अल्फा रह गया आर टी माइनस आर नॉट। अल्फा रह गया आर टी माइनस आर नॉट। क्या है ये? चेंज इन रेजिस्टेंस है, क्योंकि किसी रेजिस्टेंस में से मैंने किसी और रेजिस्टेंस को सबट्रैक्ट करा। चेंज इन रेजिस्टेंस कब? पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने कौन कितना लिया था? मैंने कंडक्टर ही ऐसा लिया जो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम दे रहा हो। और क्या करा? पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका 1 डिग्री सेल्सियस। कैसे? हमारे यहाँ इस एग्जाम्पल में आर 0 था, 1 ओम, आर 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 1.00। तो अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा 1.00093 माइनस 1.000, यानी अल्फा की वैल्यू आएगी 0.00900, 93 ओम पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा की वैल्यू, वॉट एवर बी द इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज भी हो सकता है ये। अगर मैं यहाँ मेटल ना लेता, मैं यहाँ ले लेता कोई सेमी कंडक्टर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका तो क्या होता? डिक्रीज हो जाता ना, फाइनल कम होता और ये इनिशियल ज़्यादा होता। तो फिर क्या आंसर आता? अभी मैं फिर से लिखती से, अल्फा इज इक्वल टू है 0.00093 ओम पर डिग्री सेल्सियस। ओम पर डिग्री सेल्सियस की यूनिट होगी। तो यहाँ अगर मैं सेमी कंडक्टर ले लेता, सेमीकंडक्टर ले लेता, तो सेमीकंडक्टर में फाइनल रेजिस्टेंस एक 1 डिग्री सेल्सियस पर तो मेरा कम आता रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, और 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने 1 ओम लिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू कैसी आती है? निगेटिव आती है। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि फाइनल रेजिस्टेंस 1 डिग्री वाला रेजिस्टेंस कम होता, किससे रेजिस्टेंस कम होता? 1 ओम से, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो फिर अल्फा की वैल्यू निगेटिव आती। तो अल्फा है क्या चीज? अल्फा है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज, पर यूनिट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। हमने यहाँ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस नहीं लिखा, इसे चेंज इन रेजिस्टेंस लिखा, क्योंकि डिक्रीज भी हो सकता है। तो फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कैसी है? अल्फा इज निगेटिव फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए अल्फा निगेटिव है। अल्फा इज निगेटिव फॉर मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल गया, मेरा मेरा दिमाग में मैं कुछ आगे आगे की बात सोच रहा हूँ। अल्फा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर मेटल। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है मेटल्स के लिए। अब डिपेंड करता है कितनी पॉजिटिव है। कॉपर के लिए कुछ कम है इसकी वैल्यू, और सिल्वर के लिए और भी कम है, आयरन के लिए थोड़ी ज़्यादा है, एल्युमिनियम के लिए भी कॉपर से कम है, एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है मेटल पर। छोटी सी वैल्यू होती है इसकी, बिल्कुल जैसे मैंने ये लिखी ऐसी होती है इनकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। लेकिन अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में 1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। और सेल उसके लिए भी अल्फा इज स्मॉल नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्फा इज लार्ज नेगेटिव फॉर गैसेस, बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता है, एंड अल्फा इज वेरी लार्ज फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू है इसकी, और गैसेस के लिए ठीक है बड़ी है, और मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी नेगेटिव है, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव है, हल्की सी नेगेटिव। सबसे ज़्यादा नेगेटिव सेमीकंडक्टर के लिए, सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स के लिए सबके लिए पॉजिटिव होती है। छोटी सी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू इसकी नहीं हुआ करती। बात यहाँ तक समझ आई है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं इस पूरे टॉपिक में से। एक तो वो जो अभी इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि
के मेटल के साथ क्यों बढ़ती है और उसके साथ क्यों घटती है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। और इस पर भी अक्सर क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपका आ सकता है, ऊपर लिख दे अल्फा इज पॉजिटिव, अब नीचे चार आपके पास ऑल्टरनेट दे दिए, मेटल, सेमीकंडक्टर, ये आपको टिक मार्क लगाना। आपको पता लग गया कि मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बढ़िया नेगेटिव है, अच्छी नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है, और गैसेस के लिए और ज़्यादा नेगेटिव है, और सेमीकंडक्टर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। हल्का सा टेम्परेचर आप इसका बढ़ाओ, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओ, और हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते ही बहुत तेज़ी के साथ में रेजिस्टेंस घट जाता है। अगर बात करें रेजिस्टिविटी की तो ये वाला फॉर्मूला, बात करें रेजिस्टेंस की तो ये फॉर्मूला, दोनों बिल्कुल एक ही है। जो इफेक्ट रेजिस्टेंस पर है वो इफेक्ट रेजिस्टिविटी पर है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अभी ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया अल्फा, अल्फा इस अल्फा का नाम क्या है एक्चुअली, अल्फा का नाम क्या है, नेम क्या है इसका, इसका नेम है, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस कह दो, और अगर रेजिस्टिविटी पर बात कर रहे हैं आप तो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी आप कह दीजिए इसे, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर हो गई सबकी बात, सबको क्लियर हुआ अल्फा क्या है, कैसे कैसे वेरी करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अच्छा, आप जानते हैं कि ये एक प्राइज होता है, हर साल दिया जाता है, नोबेल प्राइज, पता है किसी को क्या होता है नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज क्या होता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है किसी भी इंसान को उसके अचीवमेंट के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए। वो अचीवमेंट पहले तो ये अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुरू किया था ये, और पहले तो केवल साइंस में दिए जाते थे, अब हर फील्ड में दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज फॉर पीस, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, नोबेल प्राइज फॉर समथिंग। तो आप में से अगर किसी को नोबेल प्राइज जीतना है अपनी लाइफ में, नोबेल प्राइज जीतना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान मेथड है, मतलब आसान तो नहीं हो सकता ये, लेकिन पक्का है कि जिसने इस काम को कर लिया उसे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। क्या करना है आपको, आपको एक बनाना है सुपर कंडक्टर, आपको बनाना है एक सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। अच्छा, होगा क्या, क्यों नोबेल प्राइज मिल जाएगा सुपर कंडक्टर बनाते ही, क्यों मिल जाएगा नोबेल प्राइज, पता है सुपर कंडक्टर बनाते क्यों मिल जाएगा नोबेल प्राइज? जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस टाइम मेरे घर का बिल अबाउट 2000 आता है पर मंथ, ये घट करके 200 रुपये रह जाएगा, 2000 से 200 रुपये रह जाएगा, 10% रह जाएगा कुल। जो आपके मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है जो अब एक दिन चलती है, वही बैटरी, बिल्कुल वही बैटरी, बढ़िया वाली, और उससे कोई चेंज नहीं करना, एक महीने चलेगी। जो ई रिक्शा 100 किलोमीटर चलता है एक बार चार्ज करने पर, वो ई रिक्शा 1000 किलोमीटर चलेगा चार्ज करने पर एक बार, सुपर कंडक्टर बनाती। बस सुपर कंडक्टर तो आज भी आएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, सुपर कंडक्टर आपको बनाना है ऐसा सुपर कंडक्टर जो नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करे। अभी तक जो भी सुपर कंडक्टर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर काम नहीं करते, बहुत लो टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो ये सुपर कंडक्टर है क्या, सुपर कंडक्टर ये है क्या? देखो, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था क्या, R = RT = R0 1+αT। अगर टेम्परेचर आप घटाते चले जाओगे, टेम्परेचर अगर आप घटाते चले जाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा लगातार। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ लिया था, बस सबसे पहले तो दिमाग में ये बात फिट करनी है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक बला है, कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक।
कोविड-19 ने तो अब आके परेशान करा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये तो हमेशा से परेशान कर रहा है सारी दुनिया को। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रुकावट है, किसके फ्लो में? करंट के फ्लो में। अगर ये रुकावट ना हो, अगर ये करंट का फ्लो ना हो, तो फिर हमारा कुछ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, का बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है होता है जो इस टाइम अननेसेसरी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने पंखा चला रखा अपने बराबर पीछे, थोड़ी देर में इस पे हाथ लगा के देखूंगा तो थोड़ा सा ये गर्म दिखाई देगा। भैया पंखे का काम तो हवा देना है, पंखे का काम हीट देना नहीं है। हीट देना तो है ही नहीं पंखे का काम, मगर जबरदस्ती हीट इसमें बन रही है पंखे में। तो ये जो जबरदस्ती का लॉस है, ये लॉस खत्म हो जाएगा अगर सुपर कंडक्टर बना लिया आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर काम करने चाहिए। तो सुपर कंडक्टर है क्या? सिंपल सी बात यह है, इस फॉर्मूले में जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते रहोगे, वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती रहेगी। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, आर टी बिकम्स जीरो, मतलब जो मेटल है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करना ही बंद कर देगा। तब हम इसे कहते हैं कि अब ये मेटल क्या बन गया, अब ये मेटल सुपर कंडक्टर बन गया। जैसे कि मरकरी है, मरकरी HG, HG है मरकरी, बढ़िया सुपर कंडक्टर है। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ जी सुपर कंडक्टर बना लो, जब ऑलरेडी मरकरी पता है कि मरकरी सुपर कंडक्टर है, तो इसी को यूज ना कर लो। मगर उसमें एक झोल है बहुत बड़ा, एक लोचा है। क्या? HG इज सुपर कंडक्टर। कहाँ? एट टेम्परेचर, मैं जरा कंफर्म कर लूँ इसका, 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन, जानते हैं आप 4.2 केल्विन कितना होगा? -269 डिग्री सेल्सियस। -269 डिग्री सेल्सियस का, अभी पीछे आपने पिछले जन्म में आप थोड़ा सा अगर याद हो तो हमने ये कहा था कि मिनिमम मिनिमम पॉसिबल, टेम्परेचर इन यूनिवर्स, कहीं भी सबसे कम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है? 0 केल्विन, और -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे तो कोई टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता इससे नीचे, क्योंकि इस टेम्परेचर पर आकर जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल सीज हो जाएंगे आपके, एकदम जम जाएंगे, जब ये जम जाएंगे तो नो काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/3 kT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब काइनेटिक एनर्जी बेचारी जीरो हो गई, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो जीरो होता नहीं, टेम्परेचर अपना आप ही जीरो हो जाएगा। 0 केल्विन मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है पूरे यूनिवर्स में। और देखना तो सही, -273 पॉइंट, ये तो है तो सही। ये ना देखो, -273 और -269 में सिर्फ 4 डिग्री का तो डिफरेंस है। इतना लो टेम्परेचर अटेन करना, वो नियरली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल तो कर नहीं सकते। इसके लिए तो बहुत बढ़िया वाले करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नॉर्मल फ्रिज में रख करके, जो आपका नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, इसमें माइनस अप्रोक्सीमेटली -10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर। और जो आइसक्रीम वालों के डीप फ्रीजर है, उसमें अप्रोक्सीमेटली -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इससे कम फ्रिज में नहीं हो सकता टेम्परेचर, और हमें तो करना -269 डिग्री सेल्सियस। तो भैया जितनी बिजली बचेगी ना, उससे ज्यादा बिजली तो खर्च हो जाएगी इस -269 डिग्री सेल्सियस को अटेन करने में। हाँ, अगर आप सुपर कंडक्टर बना ले एक नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करने वाला, तो नोबेल प्राइज आप ही के नाम में लिखा हुआ होगा। बताओ कौन है जरा नोबेल प्राइज का इच्छुक, बताना तो सही कोई, जरा कोई कोई है जिसको नोबेल प्राइज की इच्छा हो? किसी को नहीं है? अरे जाओ भी, चलो कोई बात नहीं, किसी और को लेने दो नोबेल प्राइज। अरे हम तो इंडियन है, ऐसे ही हमारा दिल बड़ा होता है, हम क्या करेंगे, किसी और को लेने दो। हाँ जी, तो सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर का मीनिंग एक्चुअली, सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टर एक प्रॉपर्टी है, सुपर कंडक्टिविटी।
सुपर कंडक्टिविटी क्या है? लॉस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया, छोटा या कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया। रेजिस्टेंस खत्म होने को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जब ये कंडीशन आ जाए तो उस बॉडी को हम बोलेंगे हम सुपर कंडक्टर, उस बॉडी को बोलेंगे हम सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर जब बन जाएंगे, शायद मेरी लाइफ में तो ना बने, आप में से किसी की लाइफ में बन जाएंगे, आप बच्चे हो, तो जो हमें कॉपर का तार होता है, कॉपर का तार होता है, कॉपर कॉपर वायर होता है ना हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, शायद ये कॉपर का तार ना होकर के शायद 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 मकड़ी का जो जाल है, वो मकड़ी के जाल से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। हो सकता है आपका जो प्लास्टिक है इस प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई किसी भी तरह का थ्रेड, भाई सिंपल सी बात है, मकड़ी का जाल भी तो एक मटेरियल है। किसी साइंटिस्ट ने मकड़ी के जाल को अगर 0 डिग्री सुपर कंडक्टर बना दिया तो क्या होगा? मकड़ियों से कहेंगे भैया यहाँ हमारे घर में जाला लगा दो, हमें बिजली की फिटिंग करनी है, थोड़ा वो हो जाएगी, सब पैसे वैसे बच जाएंगे। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी है लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, एट ऑल लॉस एट ऑल, बिल्कुल खत्म, रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया, तो हम इसे फिनोमिनन को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो हम कहते हैं अब ये रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर बन गया सुपर कंडक्टर। क्लियर है इतनी बात सबको?